दोस्तों बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसा। शायद इसीलिए यह बाइक रोड से ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करती है। और इसके ऐड हमने भले ही टीवी पर ज्यादा ना देखे हों, लेकिन इस बाइक की ताकत से कोई भी अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड की। इसके ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। और इस ब्रांड की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रॉयल इनफील्ड के कस्टमर इतने ब्रांड लॉयल होते हैं कि इसकी नई बाइक के लिए वे कई महीनों तक वेट कर सकते हैं। दोस्तों रॉयल इनफील्ड को एक इंडिया ब्रांड के तौर पर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत करीब 125 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। और आगे चलकर ये एक भारतीय ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए दोस्तों, लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों रॉयल इनफील्ड की शुरुआत एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वल्कर स्मिथ ने साल 1892 में की थी। और उस टाइम इस कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था, जो कि रॉयल स्मॉल ऑल फैक्ट्री के लिए बंदूक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी। और फिर आगे चलकर 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही एक और कंपनी बनाई गई, जिसका नाम दिया गया द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी। यह कंपनी मुख्य रूप से साइकिल और उसके कंपोनेंट बनाती थी। कुछ सालों बाद कंपनी ने कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। और फिर आती है साल 1899, जिसमें उन्होंने चार पहियों वाली एक साइकिल बनाई। और इसके ठीक दो साल बाद 1901 में साइकिल पर ही इंजन जोड़कर इनफील्ड ने अपनी पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की, जिसमें उन्होंने मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन यूज किया था। और फिर 1903 में इनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में भी अपना कदम बढ़ा लिया था। हालांकि इस बिजनेस से उनको कुछ सालों बाद बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और इसीलिए उन्होंने 1907 में अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ओल्ड डेज एंड ओनियन नाम की कंपनी को बेच दिया। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने में कॉन्सेंट्रेट करने के बाद इनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता 1914 में मिली, जब पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें ब्रिटिश डिपार्टमेंट को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। और फिर इंपीरियल रूसियन गवर्नमेंट ने भी उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदने का फैसला लिया। यहां से इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत तेजी से प्रसिद्ध होने लगी। और फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में इनफील्ड की मोटरसाइकिल बहुत बड़े स्तर पर यूज की गई। इंडिया में रॉयल इनफील्ड को 1949 में लाया गया था। हालांकि लोगों ने इसे 1954 से पसंद करना शुरू किया, जब इंडियन गवर्नमेंट को पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक का यूज किया था। और उस समय 350 सीसी की 800 मोटरसाइकिल मंगवाई गई। 1955 में इनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर्स के साथ पार्टनरशिप की और रॉयल इनफील्ड की शुरुआत की। मोटरसाइकिल के कंपोनेंट्स जो कि इंग्लैंड से मंगवाते थे, और फिर 1962 में मोटरसाइकिल के सभी कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनने लगे। हालांकि आगे चलकर इनफील्ड और इंग्लैंड को जबरदस्त घाटा हुआ, और इसीलिए 1971 में वह कंपनी बंद करनी पड़ी, लेकिन भारत में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन जारी रखा गया। हालांकि भारत में भी इस कंपनी को घाटा हो रहा था, इसीलिए कंपनी आगे चलकर आइसर कंपनी के साथ मर्ज हो गई। और फिर आइसर कंपनी के मालिक विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ ने साल 2000 में आउटलेट्स और मार्केटिंग के दम पर इस मोटरसाइकिल की सेल बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से डिजाइन में चेंजमेंट किया और इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड्स भी ऑर्गेनाइज करती थी, जिससे लोगों में भी इस मोटरसाइकिल का क्रेज बढ़ता गया। और आज के समय इनफील्ड के मोटरसाइकिल केवल इंडिया में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे 50 से ज्यादा देशों में बेचे जाते हैं। 2013 में इनफील्ड के टोटल 81,446 मोटरसाइकिल बेची गई, तो वहीं 2014 में 1,23,000 मोटरसाइकिल बेची गई। और 2017 में रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 और क्लासिक 500 के मॉडल के बाइक लॉन्च की गई। आई होप दोस्तों रॉयल इनफील्ड की ये स्टोरी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर आपके पास भी रॉयल इनफील्ड की बाइक है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।